नमस्कार, मैं भरत ठाकुर आपका बीडीआई चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बेसिक स्टेप्स को किया जाता है डांस में, किस तरीके से राइट लेग लेफ्ट लेग और लेफ्ट लेग राइट लेग को यूज किया जाता है, किस तरीके से आप बेसिक स्टेप्स को अपने डांस में यूज कर सकते हो, यही मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था। मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि डांस सीखने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है, पहला कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये दो बातें आप अच्छे से इन बातों का अगर अच्छे से आप ध्यान रखेंगे तो आप डांस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या मेरे वीडियो बहुत अच्छे आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए, उसे शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेता हूँ मैं आपका, हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2। सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट लेग आगे लेना है, लेफ्ट देन राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, और राइट लेग को आपको हील पे रखना है, वहां बैलेंस बनाना है, देन पीछे जाना है। सो राइट पीछे लेफ्ट लेग पीछे राइट लेग पीछे लेफ्ट लेफ्ट रहेगा टो पर, एक बार और लेफ्ट आगे राइट आगे लेफ्ट आगे राइट देन पीछे राइट पीछे लेफ्ट पीछे राइट पीछे लेफ्ट, एक बार और लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट देन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, वेरी गुड। सबसे पहले आपको अपना राइट लेग लेना है राइट साइड, फिर लेफ्ट भी लेना है राइट साइड, उसके बाद राइट लेग फिर से, देन लेफ्ट लेग टो पे, उसके बाद लेफ्ट उठाना है लेफ्ट साइड, फिर राइट लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट फिर राइट लेग, वन मोर टाइम राइट देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट, ओके राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वेरी गुड। नमस्कार, जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा कि किस तरीके से हम आगे जाते हैं, किस तरीके से हम पीछे आते हैं, किस तरीके से हम राइट साइड जा रहे हैं, किस तरीके से हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो बहुत ही इजी है राइट लेफ्ट राइट करके साइड जाना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट करके आपको लेफ्ट साइड जाना है। तो एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 जो मैंने आपको अभी सिखाया है इन दोनों एपिसोड में, तो एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 दोनों की जो स्टेप्स हैं उनको मैं कंबाइन करके उनको क्लब करके मैं अगले नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से म्यूज़िक के साथ उसे यूज़ करना है, किस तरीके से म्यूज़िक के साथ उसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जिस म्यूज़िक पर मैं अभी कर रहा हूँ, किसी भी म्यूज़िक पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ये एपिसोड अच्छे लगे हों और मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप बीडीआई चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए ताकि मैं बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।